साउथ ईस्ट जिला के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड टीम ने मोबाइल चोरी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। तीन गिरफ्तार, 112 फोन, एक बाइक बरामद की। 2,240 मोबाइल की बांग्लादेश में हो चुकी है तस्करी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली से मोबाइल चोर के एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक 2,240 मोबाइल चुराकर बांग्लादेश भेज चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को दिल्ली और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 112 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने करीब 4.5 करोड़ कीमत के 2,240 मोबाइल फोन पश्चिमी बंगाल के रास्ते एक कोरियर कंपनी के जरिए बांग्लादेश भेज चुके हैं। DCP साउथ ईस्ट राजेश दत्त ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि 19 सितंबर को जैतपुर इलाके में एक सूचना पर बाइक सवार दो लोगों को पकड़ा गया, जिनकी पहचान अखिल अहमद और नवाब शरीफ के रूप में हुई और इसके पास से 112 मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों पिछले साल से अब तक दिल्ली में पश्चिमी बंगाल के कोलकाता के लिए 160 पार्सल भेजे हैं। इन पार्सलों में चोरी के मोबाइल भेजे जाते थे। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने अब तक 2,240 मोबाइल फोन भेजे हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पूरे मामले का खुलासा दक्षिण पूर्वी जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर विष्णु दत्त के नेतृत्व में किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं साबिर सरदार डॉक्यूमेंटेशन की दुकान पश्चिमी बंगाल में चलाता है। इसके मद्देनजर पुलिस हर पहलू के साथ मामले की जांच कर रही है और जल्द मामले में आगे अहम खुलासे की बात कर रही है। शाहनवाज खान की रिपोर्ट।